हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के कठिन से कठिन शब्दों को अंग्रेजी में आसानी से लिखने के लिए, जैसे कि सभी वीडियो में बताते हैं। तो इस वीडियो को आप भी शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाइएगा और दूसरों को जरूर सिखाइएगा, क्योंकि दूसरों को सिखाने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और ज़्यादा याद भी होता। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर दें और एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या, परमाणिक, क्या पहला, परमाणिक। तो परमा लिखिए पहले, पो का क्या होता है पी, इसमें रो है तो आर, ए प्र, उसके बाद माँ है तो एम ए माँ, निक तो नो के हर, क्या होता एन, हर जगह है तो आई, फिर को है तो के, पी आर ए एम ए एन आई के, परमा निक, क्या बन गया परमा निक। यहाँ देखिए क्या, ऋण करता है, क्या है ऋण करता, तो आर आई एन ऋण, उसके बाद क्या करता तो के ए आर डबल डबल तो है तो डबल टी ए, तो आर आई एन के ए आर डबल टी ए ऋण करता, क्या बना निर ऋण करता। यहाँ देखिए क्या, पक्ष प्रचार है, क्या पक्ष प्रचार, तो पो का क्या होता पी ए अक्षों का के एस एच पक्ष, उसके बाद प्रचार है तो पी आर ए प्र सी एच ए आर पी ए के एस एच पी आर ए सी एच एर पक्ष प्रचार, पक्ष प्रचार। यहाँ देखिए क्या, केंद्रीकरण है, क्या केंद्रीकरण, तो को का क्या होता के, ए का है तो ई, नो का एन, फिर दो है तो डी, इसमें रो है तो आर आई, तो के ई एन डी आर आई केंद्री, उसके बाद क्या करण के ए, फिर रो है तो आर ए मृदंग है तो एन के ई एन डी आर आई के आर एन केंद्रीकरण, क्या बना केंद्रीकरण। तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या सांप्रदायिक है, क्या सांप्रदायिक, तो सा के लिए क्या लिखते एस ए, मो है तो एम, इसमें पो है तो पी, फिर पो में रो है तो आर ए संप्रदा, तो डी ए दा, उसके बाद ईक है तो यो का क्या होता वह, हर चीज का है तो आई, को का के, संप्रदायिक, क्या बन गया एस एम पी आर ए डी ए वाई आई के संप्रदायिक। यहाँ देखिए क्या सम्मिश्रक है, क्या सम्मिश्रक, तो सो का एस ए, डबल मो है तो डबल एम आई सम्मी, उसके बाद सरक है तो सरो का क्या होता एस एच आर ए, को का के एस ए डबल एम आई एस एच आर ए के सम्मी सरक, क्या बना सम्मी सरक। यहाँ देखिए क्या संदर्भ है, क्या संदर्भ, तो सो के लिए एस ए, नो का एन, दो का डी ए, उसके बाद रेफ का होगा आर, अब हो का बी एच, एस ए एन डी एस ए एन डी ए आर बी एच संदर्भ, क्या बना संदर्भ। आज्ञापति, आज्ञापति आ के तो डबल ए होता है, ग्यों का जीवा, ग्यों का आपको हमेशा जीवा लगाना ए, डबल ए जीवा ए आज्ञा पति, तो पो तो का टी, हर्षिका का आई, डबल ए जी वाई ए पी टी आई आज्ञा पति, क्या बना आज्ञा पति। देखिए कितना सिंपल से बन रहा है, कितना कठिन और कितना आसानी से लिख पा रहे हैं। प्रतिरक्षा, क्या बना प्रतिरक्षा, तो पो के लिए पी, इसमें रो है तो आर, प्र बिना मात्रा का है तो ए, टी है तो है तो टी, हर्षी का है तो आई, पी आर ए टी आई प्रति, उसके बाद क्या रक्षा तो आर ए के एस एच ए पी आर ए टी आई आर ए के एस एच ए प्रति रक्षा, क्या बना प्रति रक्षा। तो यहाँ देखिए क्या प्राथमिक है, क्या प्राथमिक, तो प्रा के लिए क्या लिखना पी आर ए प्रार प्राथ, थो के टी एच पी आर ए टी एच प्राथ, उसके बाद मिक एम, हर्षी का है तो आई, को है तो के पी आर ए टी एच एम आई के
हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कठिन से कठिन और बड़े से बड़े शब्दों को अंग्रेजी में आसानी से लिखने के लिए, और आपको लास्ट में बनाने के लिए भी दूंगा। आप खुद से इसको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ दोस्त आप लाइक कर दीजिए, और जो जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे और हमको और अच्छा से अच्छी वीडियो बनाकर ज़्यादा मोटिवेट। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए पहला क्या प्रतिरक्षा है, क्या प्रतिरक्षा, तो पो के लिए है, पो का क्या होता है पी, इसमें रो है तो आर, ए प्र तो के लिए टी, हर्षी का है तो आई, प्रति उसके बाद रक्षा लिखना है तो आर ए, अक्षो क्या होता है के, एस एच ए, प्रतिरक्षा, क्या बन गया प्रतिरक्षा। तो यहाँ देखिए क्या प्रतिवाद है, क्या प्रतिवाद, पो के लिए क्या लिखते हैं पी, इसमें भी रो है तो आर, ए तो है तो टी आई, हर्षी का है तो आई, प्रतिवाद, तो भी ए डो का डी, प्रतिवाद क्या बन गया प्रति पी आर ए टी आई भी ए डी, प्रतिवाद। तो यहाँ देखिए क्या दस्तावेज, क्या दस्तावेज, तो दो के लिए क्या लिखते डी, बिना मात्रा का है तो ए, आधा सो है तो एस, उसके बाद तो है तो टी, आ मात्रा है तो आ, दास्ता उसके बाद वेज है तो भी, एक आ मात्रा है तो ई, जो का क्या होता है जे, डी ए एस टी ए भी एज, दस्ता वेज, क्या बना दस्ता वेज। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है कार्य दक्षता है, क्या है कार्य दक्षता, तो को के लिए क्या लिखते हैं के, ए रेफ का आर, यो का क्या होता है वा ए, कार्य उसके बाद दक्षता है तो डी ए के एस एच ए टी ए, के ए आर वाई डी ए के एस एच ए टी ए, कार्य दक्षता, क्या बना कार्य दक्षता। ध्यान से आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए। तो यहाँ देखिए क्या प्राथमिक है, क्या प्राथमिक, तो पो के लिए क्या लगते पी आर ए, थो के लिए टी एच, क्या बना प्रात, प्रात पी आर ए टी एच प्रात, उसके बाद मिक है तो एम, हर्षी का है तो आई, को है तो के, पी आर ए टी एच एम आई के, प्राथमिक, क्या बना प्राथमिक। तो यहाँ देखिए क्या प्रारंभिक है, क्या प्रारंभिक, तो पो के लिए पी आर ए प्रारंभ, रंसा में मुआरा तो आर ए एम होगा, आर ए एम, भो के लिए बी एच, फिर हर्षी का है तो आई, को है तो के, पी आर ए आर ए एम बी एच आई के, प्रारंभिक, क्या बना प्रारंभिक। यहाँ देखिए क्या नियुक्ति है, क्या नियुक्ति, नो का क्या होता एन, हर्षी का है तो आई, यो का वाय, औ का मात्रा है तो नियो गति, के तो के लिए टी, हर्षी का है तो आई, एन आई वाई ओ के टी आई, नियोक्ति, क्या बना नियोक्ति। तो यहाँ देखिए क्या निष्पादन है, क्या निष्पादन, तो नो का क्या होता एन, हर्षी का है तो आई, एस पी ए, एन आई एस पी ए, निष्पा, उसके बाद क्या है दन, तो डी ए एन दन, एन आई एस पी ए डी ए एन, निष्पादन, क्या बना निष्पादन। तो यहाँ देखिए क्या अतिरिक्त है, क्या अतिरिक्त, ओ का तो होता ए, तो का टी, हर्षी का है तो आई, रो है तो आर, फिर हर्षी का है तो आई, अतिरि के तो का लिए टी, ए टी आई आर आई के टी, अतिरिक्त, क्या बन गया अतिरिक्त। तो यहाँ देखिए क्या अस्पष्टीकरण, क्या अस्पष्टीकरण, तो आधा सो का सिर्फ हो जाएगा एस, उसके बाद पो है तो पी, यहाँ पर बिना मात्रा का तो ये हो जाएगा एस पी एस प, फिर मृदंत सो का एस एच, तो का टी, यहाँ ज़्यादा जोर नहीं लग रहा तो दीर्घ का आई होता एस पी ए एस एच टी, स्पष्टीकरण है के ए आर ए करण, एस पी ए एस एच टी आई के आर एन, स्पष्टीकरण, क्या बन गया स्पष्टीकरण। तो कैसा लगा ये वीडियो, चलिए अब आपको देते हैं कुछ
शब्द को लिखने के लिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आप कॉपी पे लिख करके जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप लोग अच्छे से सीखिएगा और दूसरों को भी अच्छे से सिखाइएगा। दूसरों को सिखाने में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और अच्छे से आप सीख सकते हैं और इंग्लिश आपकी इस तरह से मजबूत हो जाएगी। तो चलिए आप इन शब्दों को बना के देखिए। तो कैसा लगा दोस्त ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम आप लोग से कुछ नहीं मानते हैं, तो आप लोग को फ्री में लाइक करना होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।